जब आप पढ़ेंगे इस पोस्टर को तो आप देखेंगे आप हर बीमारी का बिना ऑपरेशन कंप्लीट रिवर्सल संभव है। इसमें लिखा हुआ हर बीमारी का बिना ऑपरेशन कंप्लीट रिवर्सल संभव है। रिवर्सल का मतलब होता है कि बीमार होने से पहले आप जैसे थे। एक्चुअली किसी भी बीमारी का कानून के हिसाब से किसी भी बीमारी को ठीक करने की गारंटी लेना इलीगल हो जाता है। तो आप इसको लिखित में प्रचार करने भेजेंगे, फेसबुक वगैरह पे डालेंगे तो ये पोस्ट हटा दिया जाएगा। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां हैं जो जड़ से खत्म हुई है और उसका हमारे पास कई प्रमाण भी है, लेकिन फिर भी जो कानून है हमें उसका सम्मान वो करना चाहिए सम्मान। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, क्या आप किसी बीमारी या दर्द से परेशान हैं? क्या आप अपनी तकलीफ का जड़ से इलाज चाहते हैं? तो ऑब्वियसली जितने भी बीमार लोग हैं, जितने भी बीमार लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन बहुत सारी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि जड़ से खत्म नहीं हो सकती, कंप्लीट रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चक्करों में फंस के वो मान लेते हैं कि ये बीमारी तो कभी ठीक नहीं हो सकती और वो जिंदगी भर दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं, कभी रिवर्स नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन हमारे जो टीसीएम की पद्धति से, जो टीएंस के इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट्स की मदद से जो हम लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, उसमें कई बीमारियां पूरी तरह से रिवर्स हुई है जिसके बारे में पहले डॉक्टर्स ने बताया था कि ये ठीक नहीं हो सकता। कई ऐसे सेहत के इशू थे जिसमें डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन से ही ठीक होगा और वो ठीक हुए बिना ऑपरेशन। तो ये आपको लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहचाना है, पहुंचाना है। जब वो पहुंचाएंगे तो सबसे पहले जो नए लोग हैं उनके लिए ये खास, क्योंकि जब वो लोग आप इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे इस पोस्टर का, इस पोस्टर पे फिर मैं बाद में आऊंगा, मुद्दा क्या है, जब आप इस पोस्टर का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो आपसे ट्रीटमेंट पूछेंगे, क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर आप सीधे ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जो नए लोग हैं एकदम, या जो पुराने भी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग को ठीक से ध्यान से नहीं देखा है, सीखने की ज्यादा कोशिश नहीं की है, या जिनके पास एक्यूलाइफ नहीं है, उनको ट्रीटमेंट समझने में तकलीफ हो सकती है। तो बेहतर है कि हम ऐसे कुछ एक्सपर्ट पैनल, जो लोग थेरेपी सेंटर चला रहे हैं वो लोग हैं जो जिनकी मदद से आप उनको वहां पे चेकअप के लिए भेज सकते हैं, वो चेकअप करेंगे। वो थेरे अगर वो पेशेंट थेरेपी लेना चाहता है तो वो थेरेपी लेंगे, और सप्लीमेंट्स या तो जो भेजने वाला है वो प्रोवाइड कर सकता है, या जो थेरेपी सेंटर का ओनर है वही देगा। और बाद में उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे, और उसके बाद ये भी समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं एक दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि इस मीटिंग में एक दो लोग ऐसे भी हैं जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग के हिसाब से मेरी टीम में नहीं है। तो जो मैंने तरीका अपनी टीम के लिए डिसाइड किया है वही तरीका वो लोग, जैसे सुनीता मैम है या डॉली मैम है, वही तरीका वो अपनी टीम के लिए देना चाहते हैं या नहीं, ये उनको खुद डिसाइड करना है। उनकी टीम के लिए चेकअप कौन करेगा, मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं चेकअप के चार्जेस में और थेरेपी के चार्जेस में या सप्लीमेंट्स के प्राइसेस में, वो केवल मेरी टीम के लिए एप्लीकेबल है। बाकी सुनीता मैम और डॉली मैम से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी टीम के लिए अलग से डिसाइड करें, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये चीज उनको अलग से टाई अप करना होगा जो थेरेपी सेंटर्स ओनर्स हैं। पहले तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग पैनल में जुड़े हुए हैं वो नोट डाउन करें कि अभी हमारे थेरेपी सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, सो दैट आपको वहां पे भी अगर कोई पेशेंट मिलता है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका भी एक लिस्ट बना करके सर्कुलेट करूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप लोग नोट डाउन कीजिए, दिल्ली एनसीआर में हमारे तीन थेरेपी सेंटर हैं जो एक्टिवली चल रहे हैं, एक दो तीन चार, बल्कि दिल्ली एनसीआर में चार थेरेपी सेंटर हैं जो एक्टिवली चल रहे हैं। एक मीनाक्षी मैम का है, दूसरा मीनाक्षी मैम की सिस्टर पूजा मैम का है, तीसरा सुदेश मैम का है। मीनाक्षी मैम का डाबरी मोड़ पे है, पूजा मैम का नजफगढ़ में है, सुदेश जी का खानपुर में है, इसके अलावा गाजियाबाद में है। ये तो हो गया जहां पे थेरेपी सेंटर्स चल रहे हैं, चेकअप और थेरेपी दोनों की सुविधा उपलब्ध है।
इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में ही खाली चेकअप की फैसिलिटी नो ग्रेटर नोएडा में सविता मैम के पास अवेलेबल है, ग्रेटर नोएडा में सविता मैम के पास अवेलेबल है। और इसके अलावा गाजियाबाद में अशोक जी भी चेकअप्स करते हैं और वो थेरेपी भी करते हैं शायद अपने घर से। इसके अलावा, इन सब के अलावा, जिस दिन मैं किसी ऑफिस में अवेलेबल होता हूं तो उस दिन मैं भी चेकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं। मेरा कोई थेरेपी सेंटर या चेकअप सेंटर फिक्स्ड नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं किसी थेरेपी सेंटर में या किसी ऑफिस में अवेलेबल होता हूं, जैसे कभी एनएसपी में, कभी द्वारका मोड़ वाले ऑफिस में, या कभी ओखला विहार में। ओखला विहार में तो फिक्स्ड है कि संडे को, लेकिन जैसे अभी मैं कुछ दिनों में अपने होम टाउन जा रहा हूं, उसके बाद मैं मुंबई, वहां से वापस आने के बाद मंथ एंड में मैं मुंबई जाऊंगा। फर्स्ट वीक मैं मुंबई में रहूंगा, उसके बाद मुंबई में 3-4 दिन रहने के बाद मैं 2-3 दिन के लिए गोवा जाऊंगा, वापसी में मैं 1 दिन सूरत रुकूंगा, उसके बाद 2 दिन रतलाम में रुकूंगा, फिर दिल्ली आऊंगा। तो मतलब मैं 27-28 के आसपास निकलूंगा दिल्ली से और 10 तारीख को वापस आऊंगा, और उससे पहले मैं अपने होम टाउन जा रहा हूं, तो लगभग 19 तारीख के बाद मैं सीधे 19 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक दिल्ली में नहीं हूं। तो उस केस में आप लोगों को चेकअप के लिए जितने भी नए लोग हैं नाम नोट कर ले, मैं उनका नंबर भी बाद में सर्कुलेट करूंगा, मीनाक्षी मैम का नंबर, पूजा मैम का नंबर, एक पोस्टर बना करके जिसपे सारे थेरेपी सेंटर, चेकअप सेंटर की लिस्ट और उनका मोबाइल नंबर होगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कहां कहां पे है वो भी देखते हैं। उसके अलावा कानपुर में चेकअप और थेरेपी दोनों, तीनों की फैसिलिटी 3 जगह पे अवेलेबल है। एक नुपुर मैम के पास है, और नुपुर मैम का थेरेपी सेंटर कानपुर में कौन सी जगह पे, मैं वो जगह का नाम ही बार बार भूल जाता हूं, अगर नुपुर मैम हैंड रेज कर सकें तो वो खुद बोल दें। दूसरा सुधा मैम रतनलाल का नगर है सर, कौन सा, रतनलाल नगर। ओके, नुपुर मैम का रतनलाल नगर में है। उसके बाद पल्लवी मैम के, जो जीके गुप्ता सर है या अनुराधा मैम है, वो सब मिलके चलाते हैं, वो कहाँ पे है पल्लवी मैम, गुमती नंबर 6? नहीं, 6-5 गुमती कौशलपुर। नंबर 5, ओके। क्या आप बोलते हैं उसको, क्या नाम था जगह का, कौशलपुरी। कौशलपुरी। कौशलपुरी में है जीके गुप्ता सर का और अनुराधा मैम का, और डॉक्टर शिल्पी वहां पे बैठते हैं शाम को, तो वहां पे चेकअप और थेरेपी दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके अलावा सुधा मैम का है नौबस्ता में। तो ये 3 थेरेपी सेंटर, यहाँ पे थेरेपी और चेकअप तीनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं बाद में लिस्ट सर्कुलेट करूंगा जिसमें इनके नंबर भी होंगे। ये कानपुर में है। लखनऊ में फिलहाल केवल चेकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है अनुपमा मैम के यहाँ, ये आप नोट कर लीजिए, लखनऊ में फिलहाल केवल चेकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा चेकअप की फैसिलिटी और थेरेपी की फैसिलिटी हजारीबाग में अवेलेबल है, और उसके अलावा बिहार में पटना के पास एक जगह भी बाढ़ में अवेलेबल है, ये हो गया। इसके अलावा श्रीनगर में, श्रीनगर में हमारे 2 चेकअप एंड थेरेपी सेंटर हैं। श्रीनगर में एक तो बेमिना में है जो देवानी साहब चलाते हैं, और एक श्रीनगर में बेमिना में है, श्रीनगर शहर के पास ही, और एक श्रीनगर से थोड़ा सा दूर है, सविता मैम बताएंगे उसका नाम। सविता मैम अपना हैंड रेज करें, जी बताइए दूसरा थेरेपी सेंटर हमारा कहाँ है श्रीनगर में। सर नाम भूल गई। लबा, ये देखिए इनकी टीम में है वो थेरेपी सेंटर।
मानस बल, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के पास मानस बल करके एक जगह है, वहां पे है हमारा दूसरा थेरेपी सेंटर जो श्रीनगर में है। ठीक है, इसके अलावा हमारे गोवा में दो थेरेपी सेंटर हैं, थेरेपी की फैसिलिटी है दोनों जगह, चेकअप की फैसिलिटी है, एक वोनवी मैम का है और एक अकेला मैम का है, उनका भी नंबर मैं शेयर करूंगा। ये दोनों का गोवा में है, इसके अलावा मुंबई में जे जे हॉस्पिटल के, जे जे पुलिस स्टेशन, सॉरी, जे जे पुलिस स्टेशन के गेट के सामने ही हमारा थेरेपी सेंटर है, फ्रेंड्स नेचुरोपैथी सेंटर के नाम से, वो तो सारा मैम का है, उसका भी नंबर मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। इसके अलावा रतलाम में हमारे दो थेरेपी सेंटर है, एक फुल फ्लेज थेरेपी सेंटर है जो ऑपरेशनल है और एक जगह पे चेकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत ही लिमिटेड थेरेपी की फैसिलिटी भी अभी अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्दी वो थेरेपी सेंटर ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ में भी है जो अभी पार्शियली ऑपरेशनल है और बहुत जल्दी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो रतलाम में एक थेरेपी सेंटर है जो प्रीति मैम चलाती हैं और दूसरा थेरेपी सेंटर है जो अभी अभी शुरू किया है फैसिलिटी राजबाला मैम ने, और चेकअप की फैसिलिटी निहाल सर के घर पे अवेलेबल है, राइट निहाल सर? और इसके अलावा राजगढ़ वाला भी थेरेपी सेंटर है, तो वो शायद वो लोग जो थेरेपिस्ट जो सेंटर जिन्होंने खोला हुआ है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो अभी थोड़ा सा इलेक्शन वगैरह का टाइम है तो थोड़ा बिजी रहने वाले हैं वो, तो थेरेपी फैसिलिटी वहां पे नहीं हो पाएगी राजगढ़ जो रतलाम के पास ही है एमपी में, लेकिन चेकअप फैसिलिटी अभी वहां पे मिल जाएगी और इलेक्शन खत्म होने के बाद थेरेपी फैसिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी राजगढ़। तो ये हो गए हमारे सारे थेरेपी सेंटर। इसके अलावा चेकअप की फैसिलिटी और भी कई जगहों पे अवेलेबल है, जैसे बनारस में अवेलेबल है, देहरादून में अवेलेबल है, ये चेकअप फैसिलिटीज है जहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं धीरे धीरे लिस्ट सर्कुलेट कर दूंगा कि कहाँ पे चेकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है, कहाँ पे थेरेपी फैसिलिटी अवेलेबल है। मीनाक्षी मैम बताएंगी, एक बागपत में भी हमारा चेकअप फैसिलिटी अवेलेबल है, थेरेपी फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, चेकअप फैसिलिटी अवेलेबल है। मीनाक्षी मैम आप बताइए बागपत में वो कहाँ पे है? सर वो बागपत ओंदा रोड पर है, जो ये डीएम ऑफिस है उससे जस्ट पहले, डीएम हाँ, ऑफिस तो उनका से अगर हम एड्रेस, दिल्ली की तरफ, पूरा एड्रेस नहीं सर हाँ पता, वो बागपत ओंदा में रोड, डीएम ऑफिस के जस्ट बगल में ही है, डीएम मेन रोड पे ही, डीएम हाँ ऑफिस के अगर बगल में दिल्ली ही है, की तरफ एड्रेस और है नंबर, तो एड्रेस और कांटेक्ट नंबर मैं लिस्ट में डाल दूंगा। जी। और कहीं पे रह गया हो जो हमारा थेरेपी सेंटर है? इसके अलावा चेकअप की फैसिलिटी हमारी टीम में और तो कहीं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इसके अलावा चेकअप की फैसिलिटी और भी जगहों पे अवेलेबल हो सकती है, लेकिन उस केस में जो हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जैसे दूसरी टीम के लोग भी हैं मेरी जान पहचान के बहुत सारे शहरों में, वो ऑन रिक्वेस्ट आपके गेस्ट को चेकअप और थेरेपी फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो पैसे में शेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे इसका पता नहीं है, तो इसके लिए मैं उनका नाम अभी नहीं ले रहा। तो बेसिकली हम फिर से वापस लौटते हैं उस पोस्टर पे, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूँ बेसिकली मैं अपनी टीम के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी जो लीडर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं या अलग से मेरे से इसके लिए बात कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने चेकअप के कई टाइप रखे हैं। पहला है जांच और कंसल्टेशन केवल 200 रुपए में, वो किसी पर्टिकुलर बीमारी का जब कोई चेकअप कराने के लिए आता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको कंसल्ट किया कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, या किसी ने कंसल्ट किया कि मेरे को कब्ज की प्रॉब्लम है, किसी ने कंसल्ट किया कि मेरे को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी ने कंसल्ट किया मेरे घुटनों में तकलीफ है, तो लोग अलग अलग तकलीफों के लिए कंसल्ट करते हैं, तो केवल उन्हीं पॉइंट्स को चेक करना होता है, और अगर जो चेकअप करने वाले की मर्जी है वो ज्यादा पॉइंट्स करे तो, अगर उतने ही पैसे में, तो किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू के लिए अगर कोई पेशेंट आता है और वो चेकअप कराना चाहता है तो उसको चेकअप करना, उसको पूरी चीजें समझाना और उसका ट्रीटमेंट बताना, ये तीनों चीजों के लिए 200 रुपीज चार्ज।
ठीक है, 200 रुपये चार्ज। तो अगर आपने खुद बुलाया पेशेंट और आप खुद चेकअप कर रहे हो, आपके पास अपना एक्यूलाइफ है, आप चेकअप करना जानते हो, खुद चेकअप कर रहे हो, तो आप तो 200 रुपये चार्ज लोगे और 200 रुपये आपका हो गया। लेकिन किसी और ने अगर आपके पास पेशेंट भेजा है तो इन दैट केस चेकअप आप करेंगे, समझाएंगे आप, 200 रुपये आप चार्ज लेंगे, जिसमें से 100 रुपीज आप रखेंगे और 100 रुपीज भेजने वाले को देंगे। मतलब चेकअप चार्जेज में हम 50% का शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए निहाल सर का कोई पहचान का बंदा कानपुर में रहता है, उन्होंने कानपुर में किसी को चेकअप के लिए नूपुर मैम के यहां भेजा, और वो किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू के लिए चेकअप करवाता है, तो नूपुर मैम उसे 200 रुपीज चार्ज करेंगी और 100 रुपीज निहाल सर को ट्रांसफर कर देंगे। या मान लीजिए जैसे मीनाक्षी मैम है, मीनाक्षी मैम के थेरेपी सेंटर पे किसी ने, जैसे रफत है, रफत में एक पेशेंट भेजा, क्योंकि रफत नई लड़की है, उसके पास एक्यूलाइफ भी नहीं है, चेकअप करना आता भी नहीं है और उसका कोई थेरेपी सेंटर भी नहीं है। तो मान लो रफत ने एक पेशेंट को भेजा मीनाक्षी मैम के यहाँ, और मीनाक्षी मैम ने उसका चेकअप किया, तो मीनाक्षी मैम उसे 200 रुपीज चार्ज करेंगी और 100 रुपीज रफत को देंगी। तो जो भी भेजेगा उसको 50% मिलेगा और 50% चेकअप करने वाले को। इन केस ऑफ फुल बॉडी चेकअप, अगर कोई पेशेंट आता है वो पहले से फुल बॉडी चेकअप बता के आता है, या फिर जो चेकअप करने वाला, जैसे मीनाक्षी मैम है, नूपुर मैम है, जो भी चेकअप करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग पेशेंट को समझाएंगे फुल बॉडी चेकअप के फायदे, कोशिश करेंगे कि वो एक बीमारी से फुल बॉडी चेकअप करवा ले, और बताएंगे बस 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगने हैं, सब कुछ पता चल जाएगा, फ्यूचर में क्या बीमारी हो सकती है, ये सारा कुछ आप उसके फायदे समझाएंगे। अगर वो फुल बॉडी चेकअप कराता है तो इन दैट केस अगेन 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें से 50% यानी 250 रुपये पेशेंट भेजने वाले या लाने वाले को और 250 रुपये चेकअप करने वाले को मिले। ठीक है, इसके अलावा जब आप पोस्टर को देखेंगे, देखिए जरा गौर से, जो तीसरी कैटेगरी है फुल बॉडी चेकअप और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन 800 रुपीज, इसमें क्या करना है वो समझिए। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन दो तीन तरीके से हो सकता है, या तो पेशेंट मेरे से चेकअप करने के लिए आ जाए, राइट, या पेशेंट मुझसे बात करना चाहे, तो इन दैट केस अगर वो फोन पे मुझसे बात करना चाहता है या मुझसे चेकअप करवाने आना चाहता है, इन बोथ द केसेस ही हैज टू पे 800 रुपीज, जिसमें उसका फुल बॉडी चेकअप और कंसल्टेशन होगा। तो जो मान लीजिए मीनाक्षी मैम ने चेकअप किया, पेशेंट भेजा है जमीला मैम ने, और मीनाक्षी मैम ने चेकअप किया और मैंने उसको फोन पे बताया, ठीक है, तो इन दैट केस जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने उसे अगर फोन पे बताया, तो इन दैट केस जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मुझसे फोन पे बात कराई, तो इन दैट केस जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 400-400 ईच होगा। जमीला मैम को भी 400 मिलेगा और मीनाक्षी मैम को भी 400, क्योंकि मेरा केवल फोन पे बताने का इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं अपनी टीम के लोगों से उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, ये केवल मेरी टीम में जो लोग हैं उनके लिए एप्लीकेबल। लेकिन अगर पेशेंट मुझसे आके चेकअप कराता है ऑफिस में, तो इन दैट केस 800 रुपीज में से 400 रुपीज मैं अपनी टीम वालों के लिए 400 रुपीज आई विल कीप, और जो बुलाएंगे पेशेंट को 400 रुपीज उनका होगा, क्योंकि चेकअप मैं कर रहा हूं। हाँ, जब हम चेकअप कैंप्स लगाते हैं या जब मैं कहीं जाता हूं, लाइक मैं मुंबई जाऊंगा, रतलाम जाऊंगा, तो वहां पे जो चार्जेज है वो चार्जेज क्या रखते हैं, और वो जहां मैं जा रहा हूँ वो चार्जेज कितना रखना है, कम रखना है, क्योंकि 800 रखेंगे तो शायद कम लोग आए, या वो डिपेंड करता है जो चेकअप कैंप अरेंज कर रहा है। जैसे अगर मैं निहाल सर के घर पे जाऊंगा तो वहां पे वो क्या चार्ज लेना चाहते हैं, या प्रीति मैम क्या चार्ज लेना चाहती है, वो हम पर्टिकुलरली हर चेकअप कैंप में अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड चार्जिंग होगी वो यही होगी कि पेशेंट आया,
जो भी चेकअप करने वाला है उससे चेकअप कराया, एक बीमारी का कराया, 200 रुपये दिया, आधा भेजने वाले का आधा चेकअप करने वाले का, फुल बॉडी चेकअप कराया 500 रुपये दिया, आधा भेजने वाले का आधा चेकअप करने वाले। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के केस में अगर मुझसे फोन पे कंसल्टेशन हो रहा है तो आधा भेजने वाले का यानी 400 रुपये भेजने वाले का और 400 रुपये चेकअप करने वाले का। लेकिन अगर मैं पर्सनली चेकअप कर रहा हूं तो 400 मेरा और 400 भेजने वाला। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करें। जी मैम बताइए। सर इसमें अगर एक ये केस बनता है कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जोर से बोलिए। हेलो सर, हाँ बताइए। इसमें अगर एक ये केस बनता है कि एक सर एक सेकंड प्लीज होल्ड करेगा। हाँ ठीक है सॉरी, कि मान लो किसी ने मुझे मेरे पास कोई पेशेंट भेजा है, मेरे पास रिफर किया था और मैं उसे आपको न्यूजर्सी, फर्दर पास न्यूजर्सी भेजे पेशेंट? हाँ भाई, एक हमारा चेकअप एंड थेरेपी फैसिलिटी अमेरिका में न्यूजर्सी में भी है। भेजेंगे भेजेंगे न्यूजर्सी मैम, बहुत वहां भी बड़ा भेजेंगे, है जर्सी सिटी। सर वहां भी भेजेंगे, वहां भी भेजेंगे, टेंशन मत। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे आप। हम ये कह रहे थे कि सपोज किसी ने कोई पेशेंट मेरे पास भेजा, मेरे थेरेपी सेंटर भेजा कानपुर में, ओके और उसके लिए हमें आपकी कंसल्टेशन की जरूरत है, तो हाँ फिर उस केस में क्या कर सकते हैं? नहीं, आप तो मुझसे पूछ ही सकते हैं। इन केस पेशेंट वांट्स टू टॉक देन ओनली देन से कि स्पेशलिस्ट से अगर आप बात करेंगे तो यू विल हैव टू पे 800। ओके आप तो मुझसे पूछेंगे, जो चेकअप करने वाले हैं अगर उनको समझ में नहीं आता या कुछ तो आप तो अलग से मुझसे पूछ लीजिए। बट अगर पेशेंट बात करना चाहता है फोन पे या वीडियो कॉल पे, इन दैट केस पेशेंट हैज टू पे। राइट क्योंकि फ्री में सारे पेशेंट से अगर मैं बात करता फिरूंगा तो एक तो सारे बात करना चाहेंगे, तो टाइम अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है। आपके पास मान लीजिए 4 पेशेंट हैं, आप तो चारों का एक साथ डिस्कस कर लोगे, और दूसरा फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं करता। तो ये सब इश्यूज हैं, आप तो पूछेंगे, उसमें मैं कोई वो चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ। आपको तो अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछिए। जो भी चेकअप करने वाले लोग हैं वो तो मेरे से पूछेंगे ही पूछेंगे, जो मेरी टीम में, इवन जो मेरी टीम में नहीं है वो भी पूछते हैं, रिपोर्ट्स भेजना ये सब करना, तो वो सब एज इट इज कंटिन्यू रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं। ठीक है अगर सर। आप पेशेंट से मेरी बात करवाना चाहते हैं तो यू विल चार्ज 800, जिसमें से मैं अपनी टीम वालों से कुछ भी नहीं लूंगा, वो आप पूरा का पूरा 800 आप रख लो अगर आपका ही पेशेंट है तो, या फिर अगर किसी ने भेजा है तो 400 400 डिस्ट्रीब्यूट कर लो। दूसरी टीम वालों से मैं देखूंगा कि मुझे क्या चार्ज रखना है नहीं रखना है, वो मैं आपस में उनसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है? तो अब हम इस ट्रेनिंग के दूसरे पार्ट पे आएंगे कि एडवर्टाइजमेंट करना कैसे। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि एडवर्टाइजमेंट के बेसिकली हमारे पास 4 तरीके। जी रूबी मैम बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, कंसल्टेशन तो ठीक है लेकिन सर वो तो मेडिकेशन की आपकी तो आवाज दवा चाहिए। क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ एक चेकअप फैसिलिटी, रूबी मैम आप थेरेपी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करोगे खाली चेकअप फैसिलिटी? सर है तो थेरेपी भी मेरे पास फुल कंप्लीट है लेकिन अभी स्टार्टिंग चेकअप से होगी सर। ओके ठीक है। सर मैं ये पूछ रही थी कि फिर जो हमारी जो सप्लीमेंट है वो सप्लीमेंट देने का काम कौन करेगा, भेजने वाला है या चेकअप करने वाला? ये उन दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग से होगी। मान लीजिए कि भेजने वाले ने भेज दिया, ठीक है, अब निहाल जी रहते मान लो कि दूसरे शहर में है, या भेजने वाले के लिए देना पॉसिबल नहीं है, दूरी है या किसी वजह से, तो देने वाला दे सकता है, किस प्राइस पे देना है ये भेजने वाला डिसाइड करे। जैसे मान लीजिए ओके कि रफत जी ने या शशि बाला जी ने मीनाक्षी मैम के पास या आपके पास किसी को भेजा थेरेपी के लिए, या पल्लवी मैम के पास भेजा, अब चेकअप के बाद ये डिसाइड हुआ कि उसको एक ओमेगा, एक ओपीसी और एक FOS देना, ठीक है, तो नॉर्मली चेकअप करने वाला MRP पे ही बताएगा।
या भेजने वाला पहले ही बोल के रखेगा कि एमआरपी पे देना है या नहीं। अगर कोई बात नहीं हुई है तो इन दैट केस एमआरपी पे दिया जाएगा और वो सारा का सारा सप्लीमेंट जो देने वाला है वो भेजने वाले की आईडी से खरीद लेगा, जिस रेट पे वो होगा, जो उसका लेवल होगा या जिस रेट में उसने बोला होगा, और एमआरपी डीपी का डिफरेंस उसको दे देगा। जैसे मान लीजिए कि जमीला जी ने भेजा मीनाक्षी मैम के पास एक पेशेंट, और जो पेशेंट ने सप्लीमेंट लिया उसका जो प्राइस हो रहा है वो हो रहा है 5,000 रुपए एमआरपी, सर ठीक और है जो सर, उसका डीपी है वो 4,000 रुपए हो रहा है। ठीक है सर, और जमीला जी का अभी कोई कार्ड लेवल नहीं है तो मीनाक्षी मैम क्या करेंगी, मीनाक्षी मैम के पास अगर है तो दे देंगी, या सब थेरेपी उससे जमीला जी की आईडी से मंगवा करके दे देंगी, क्योंकि थेरेपी लेने वो वहीं पे आ रहा है, पेशेंट कहाँ भटकेगा सप्लीमेंट लेने के लिए। तो ठीक है सर, जमीला जी अपनी आईडी शेयर कर देंगी थेरेपिस्ट के पास या चेकअप वाले के पास, और जो चेकअप वाला है वो उसकी ड्यूटी है कि वो उस उनकी आईडी से सप्लीमेंट ले करके दे देगा, बाकी जो डिफरेंस का अमाउंट बचा वो भेजने वाले का होगा। सप्लीमेंट में थेरेपी करने वाले का कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि थेरेपी चार्जेस में 70% थेरेपी करने वाले का होगा, 30% भेजने वाले का। अगर किसी का भेजा हुआ कोई पेशेंट थेरेपी लेता है चेकअप के बाद, तो थेरेपी चार्जेस में 30%, यानी अगर थेरेपी के चार्ज वो 3,000 रुपये ले रहे हैं, तो 900 रुपये भेजने वाले का और 2,100 रुपये थेरेपी देने वाले का। ओके सर, ठीक है, तो इसमें किसी को लग सकता है कि थेरेपी मैं दे रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, मेरे को कम मिल रहा है, तो जो सबसे मेन मेहनत है ढूंढने की वो आपको नहीं करनी पड़ रही है, आपको बैठे बिठाए 2,100 रुपये का एक पेशेंट भी तो मिल रहा है, तो दैट इज द बेनिफिट। ओके, सो ये सिस्टम रहेगा। चेकअप में 50%, थेरेपी में 30% भेजने वाले का, 70% थेरेपी करने वाले का, और क्योंकि थेरेपी करने वाले को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ऑब्वियसली इसमें 50-50 नहीं कर सकते, इसमें ज्यादा ही रखना होगा, और तो सप्लीमेंट में पूरा का पूरा भेजने वाले का। इसमें किसी को कोई डाउट है ये सिस्टम में? नो अब तो जितने भी लोग हैं जो खुद चेकअप नहीं कर रहे, जिनके पास एक्यू लाइफ नहीं है और जिनके पास थेरेपी सेंटर नहीं है, वो भी पेशेंट्स को ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो भी पेशेंट आए आप उनको बोलिए कि ठीक है मैं अपॉइंटमेंट ले करके, आप उनसे पूछिए आप कहाँ रहते हैं, आप जैसे बोला दिल्ली में रहता हूं, तो आपको लोकेशन अभी शेयर करेंगे एक पोस्टर बना करके, आप उनसे पूछिए या जो आपके सुपरवाइजर हैं या मुझे मैसेज करके पूछिए कि ये दिल्ली में फलानी जगह रहता है, इसको कौन से थेरेपी सेंटर भेजना है। धीरे धीरे आपको खुद ही याद हो जाएगा, एक खानपुर में है, एक डाबरी मोड़ पे है, एक यहाँ है, एक वहां है, तो कौन सा नजदीक पड़ेगा, तो आप वहां पे बात कर लीजिए और उनको नंबर शेयर कर दीजिए। पेशेंट को आप थेरेपिस्ट का नंबर नहीं शेयर करेंगे, आप थेरेपिस्ट को पेशेंट का नंबर शेयर करेंगे, और थेरेपिस्ट विल कॉल सो दैट रिकॉर्ड रहे कि हाँ इसने दिया था। नहीं तो मान लो कि जमीला जी ने सीधे किसी पेशेंट को मीनाक्षी जी का नंबर दे दिया, मीनाक्षी जी के पास वो पेशेंट ने कॉल किया और आ गया चेकअप कराने, तो मीनाक्षी जी को पता कैसे चलेगा कि जमीला जी ने भेजा है। तो इसीलिए पेशेंट का नंबर थेरेपिस्ट को दे दिया जाएगा, पेशेंट को थेरेपिस्ट का नंबर नहीं दिया जाएगा, थेरेपिस्ट उसको या जो चेकअप करेगा वो कॉल करेगा, वो अपना एड्रेस लोकेशन वगैरह और किस टाइम पे आना है, कितने चार्जेस लगेंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। एडवर्टाइजमेंट के हमारे पास ब्रॉडली चार तरीके होते हैं, और ध्यान रखिए अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब के जो जो अपलाइन है उन सब की खबर लीजिए। निहाल जी, अनीता मैम ने अभी ज्वाइन किया है। और एक और भी है कोई जिसने, सचिन वत्स, तो इन लोगों को बोलिए कि टाइम से ज्वाइन किया करें। ओके, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। तो आपने जो ये पोस्टर देखा, मुद्दा यही है, आप इसको किसी और तरीके से लिख के किसी और लैंग्वेज में ट्रांसफर करके, यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जा करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करके डाल करके अपने तरीके से भेज सकते हैं। जिनको इंग्लिश वाला चाहिए ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको, जिनको हिंदी वाला चाहिए हिंदी में है, जिनको किसी और लैंग्वेज में चाहिए
तो आप मुझे लैंग्वेज में ये लिखा हुआ दे दीजिए, अपनी भाषा में मैं पोस्टर बनवा दूंगा, ये हो सकता है। ठीक है, अभी मुद्दा ये है कि प्रचार करना कैसे। तो प्रचार करने के पास के लिए हमारे पास मोटे तौर पे चार तरीके हैं। पहला सोशल मीडिया, तो आप नोट कर लीजिए। पहला तरीका है हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में जो पहला रिसोर्स है आपका वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में लोग आपके प्रचार को देख सकें। पहले हम फ्री वाले तरीकों की बात करेंगे, उसके बाद पैसे खर्च करके कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो जो लोग ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं, थोड़े बहुत पैसे खर्च करके ज्यादा कमा सकते हैं। खैर, पहले हम फ्री वाले तरीकों की बात करते हैं। तो फ्री वाला जो तरीका है, व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस या आपका डीपी, आप इसको डीपी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेटस सारे लोग नहीं देखते, लेकिन डीपी आपका सारे लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने व्हाट्सएप के सेटिंग में जाकर के, अगर खुद से नहीं आता है तो किसी और से करा लेना, कि आपकी डीपी और आपके स्टेटस को विजिबल करना होगा सबके लिए। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास आपका नंबर होगा उनके, लेकिन आपके फोन में आप उनका नंबर सेव नहीं होगा। तो अगर आप सबके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग सेटिंग ऐसे करके रखते हैं कि हमारी डीपी कोई और ना देख सके, जिसका नंबर हमने सेव नहीं किया वो हमारी डीपी ना देख सके, तो ये सेटिंग आपको हटानी होगी। डीपी को और स्टेटस को सबके लिए विजिबल करना, सो दैट आपका नंबर जिसके पास भी है उसको आपकी डीपी और स्टेटस दिखाई दे। तो अगर आप इसको डीपी में नहीं लगाना चाहते, तो याद रखिए एक स्टेटस केवल 3 दिन रहता है। जैसे आज मैंने सर्कुलेट किया, 3 दिन बाद ये स्टेटस में से हट जाएगा, तो आपको 3 दिन ध्यान में रखना मुश्किल होगा। इसलिए डेली अपडेट कीजिए, एक फोटो ये तो, और बाकी चीजें भी आप डालिए स्टेटस में, लेकिन एक ये फोटो तो डेली अपने स्टेटस में लगाइए, क्योंकि स्टेटस अपडेट करने के बाद भी लोगों को दिखता है सबसे ऊपर, जैसे ही वो स्टेटस में जाते हैं सबसे ऊपर दिखता है। तो डेली आप स्टेटस अपडेट करेंगे तो आपके कॉन्टेक्ट के जो लोग हैं जिनके पास भी आपका नंबर है, उन सबको आपका ये प्रचार डेली दिखेगा। अगर आप बीच बीच में हफ्ते में 2 दिन अपनी डीपी में लगा दें, तो बीच बीच में हफ्ते में डीपी में भी दिखता रहेगा। तो ये तो हो गया व्हाट्सएप में करने का तरीका। इसके अलावा व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो चैनल्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चैनल में आपको किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं दिखेगा। बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो टीएंस के हमारे ग्रुप्स हैं, जो टीएंस का ग्रुप है, टीएंस के ग्रुप में ही प्रचार डाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे तो सारे टीएंस के डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका कस्टमर कौन बनेगा। तो टीएंस के ग्रुप में प्रचार डालने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप है जिसमें प्रचार करना अलाउड होता है, कुछ में अलाउड नहीं होता है, और कुछ में तो केवल एडमिन ही मैसेज डाल सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स होते हैं या नहीं होते, एक बार सारे लोग कैमरा ऑन कर लीजिए जो लोग कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं कर लीजिए। तो ऐसे ग्रुप्स आपने देखे होंगे जिसमें केवल एडमिन ही मैसेज डाल सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कोई मैसेज डाल सकता है, लेकिन कोई भी एडवर्टाइजमेंट या इस तरह की चीजों का मैसेज डालना अलाउड ही नहीं होता है। और ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जिसमें कुछ भी डाल सकते हैं, डस्टबिन टाइप। तो बेसिकली जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कोई भी कुछ भी डाल सकता है, उसमें अगर आप पोस्ट डालोगे भी तो ज्यादा लोग नहीं देखते, क्योंकि उसमें इतने पोस्ट आते रहते हैं कि वो आपका पोस्ट जब तक कोई देखेगा तब तक वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए आपके लिए कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। ऐसे ग्रुप्स में पोस्ट डालिए जरूर, लेकिन डेली एक बार डालिए। जिन ग्रुप्स में अलाउड नहीं है और आपका रहना उस ग्रुप में जरूरी है, जैसे सोसाइटी का ग्रुप होता है या किसी की कंपनी का ऑफिस का ग्रुप होगा, ऐसे ग्रुप में आपका रहना भी जरूरी है। आपको निकाल दिया तो आपका काम खराब होगा। और
उसमें अगर आपने इस तरह का एडवर्टाइजमेंट डाला तो हो सकता है आपको निकाल दें या हो सकता है आपको गालियां सुनने को मिले। तो आपको ऐसे ग्रुप्स में ये पोस्ट नहीं डालना है, लेकिन ऐसे ग्रुप्स में आप इंडिविजुअली उससे रिलेटेड जब आप डीपी में लगा ले, ऐसे ग्रुप्स में एडवर्टाइजमेंट करने का क्या तरीका है ये समझिए। जैसे कोई ग्रुप है, मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई सोसाइटी का कोई रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा आप कुछ भी नहीं डाल सकते, तो एडवर्टाइजमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी डीपी में वो पोस्टर लगा लो और उसके बाद उस ग्रुप से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो रेगुलरली, तो बार बार लोग जो उस ग्रुप के लिए अलाउड हो। और जैसे मान लो कोई रिलीजियस ग्रुप में, उसमें भगवान की फोटो डालना अलाउड है, तो रोज सुबह शाम 10-10 फोटो डाल। कोई मोटिवेशनल ग्रुप है तो रोज व्हाट डाउनलोड कर करके मोटिवेशनल कोट्स डालो उसमें। उससे क्या होगा कि आपके मैसेजेस सभी पढ़ेंगे तो सब आपकी डीपी भी देखेंगे और आप उस ग्रुप के रूल्स को भी तोड़ नहीं रहे। उसके अलावा जो आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाए आप उनको इंडिविजुअली भेज सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपको ऐड कर दिया जाता है, जैसे कुछ लोग सूट बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रमोशनल ग्रुप्स होते हैं ना बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं, या बहुत तरह के कॉमर्स वाले होते हैं जो आपको अपने ग्रुप में ऐड तो कर लेते हैं लेकिन आप उस ग्रुप में कुछ डाल नहीं सकते, होता है ऐसा। तो उस ग्रुप में क्या करना है, आप क्या करते हैं उस ग्रुप से एग्जिट हो जाते हैं और डिलीट कर देते हैं, ग्रुप को डिलीट कर देते हैं। तो या तो एग्जिट मत करो, या अगर उस ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको आप म्यूट कर दो। अगर वो भी नहीं चल पा रहा तो आप उस ग्रुप से एग्जिट कर जाओ लेकिन डिलीट मत करो। आप एग्जिट कर जाओगे, डिलीट नहीं करोगे तो क्या होगा कि उस ग्रुप में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं सबको आप देख सकते हो, उसके बाद एक एक करके आप उन कॉन्टेक्ट्स को ये भेज सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे एक दिन में एडवर्टाइजमेंट वाले पोस्ट 5-7 लोगों से ज्यादा को ना भेजें। अननोन लोगों को, जो पहचान वाले हैं उनको तो ठीक है, लेकिन अननोन लोगों को 5-7-10 लोगों से ज्यादा को ना भेजें ग्रुप्स में, इससे ज्यादा पोस्ट ना करें, वो स्पैमिंग की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे सुबह सुबह उठे कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें आप पोस्ट नहीं डाल सकते और उसमें आप किसी को जानते भी नहीं, 2-4-5 लोगों को इनबॉक्स में उनका नंबर सेलेक्ट किया, इनबॉक्स में मैसेज करके वो पोस्टर डाल दिया। ठीक है, तो ग्रुप से भले आप एग्जिट कर जाओ, ऐसा ग्रुप जो आपके काम का नहीं है और उसमें आप पोस्ट डाल भी नहीं सकते, तो आप भले एग्जिट कर जाओ, डिलीट मत करो उस ग्रुप को, क्योंकि उस ग्रुप में कॉन्टेक्ट आपको सारे दिखेंगे। तो ये हो गया कि व्हाट्सएप पे कैसे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और डीपी और स्टेटस में तो ये आपके रेगुलर होना चाहिए, बाकी चीजें भी आप स्टेटस में लगाते रहिए, डीपी लगाते रहिए, लेकिन ये वाला पोस्टर तो डीपी में हर हफ्ते कम से कम 2 दिन और स्टेटस में रोज अपलोड करना है। क्लियर है? ओके, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपको ये पोस्टर देख करके, ये चलो ये बाद में बताएंगे, पहले हम एडवर्टाइजमेंट के तरीके कर। अब दूसरा है फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो सबसे पहले तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाए। फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, तो अपने पेज पे आप डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए पोस्ट डालिए। पोस्ट आप डेली, जितनी ज्यादा पोस्टें आप करेंगे और पोस्ट से भी ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं रील्स से। आप डेली कुछ ना कुछ रील्स बना करके डालिए। रील्स 30, रील्स का मतलब होता है 30 सेकेंड से कम का वीडियो। जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग के ज्यादा डिवाइसेस नहीं है, तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि पंखा ऑफ कर दीजिए और आसपास कोई शोरगुल ना, ताकि वॉइस क्लियर रिकॉर्ड हो सके। सेल्फी कैमरा ऑन कीजिए, अपना एक रील कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसी कंपनी भी है जो एक आयरन कैप्सूल्स बनाती है
जो चुंबक में नहीं चिपकता। ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो प्लांट बेस्ड आयरन से आपको आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है, और ये बहुत ही अच्छा है, और हाथ में ले लीजिए। उसको कहते हैं टीएनस का एफई प्लस, लेकिन भूल के भी ऑनलाइन मत खरीदना, नकली मिलता है। तो इस तरह की कोई चीजें आप रिकॉर्ड करके आपके जो भी समझ में आता है डेली डाल, उस पे रिस्पॉन्स आए ना आए, लेकिन आपके रील्स लोग डेली देखेंगे तो आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जाए। आप डेली एक्टिविटी कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी। आप ट्रैफिक रेड लाइट पे खड़े हैं, वीडियो ऑन कीजिए, देखो आज कितनी भीड़ है, आज ट्रैफिक में बहुत जाम है, आज ऑफिस जाने में लेट हो गया, 10-15 सेकंड कुछ भी आप डालते रहेंगे, सर्कुलेशन में रहना है आपको मेटा के हिसाब से। और अगर आप अच्छी रील्स बना सकते हैं, आप अपने डे टू डे एक्टिविटी की बना सकते हैं। आप कुछ घर में मेकअप करते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, जरूरी नहीं है बिजनेस पोस्ट ही हो। आप अपने बच्चों के लिए मान लो पकौड़े बना रहे हो, तो वो डाल दीजिए, आज बच्चों ने जिद कर दी पकौड़े बनाने के लिए, तो देखिए मैंने आज ये पकौड़े बनाए हैं, ये मेथी का है, ये फलाने का है, कैसा बना है, कैसा लग रहा है, जो इसको खाना हो मेरे घर आ जाओ, रील खत्म, डाल दो। कौन आ रहा है आपके घर? कोई नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग उसको देखेंगे, तो आपके पेज का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्रिएटिव रील्स होगा, जितना ज्यादा यूनिक रील्स होगा, उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ ना कुछ आप डेली पोस्ट करें बिजनेस से हट के, और उसके अलावा बिजनेस का मैटर भी डेली पोस्ट करें। इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी, इंपॉर्टेंट है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस। आपके पोस्ट जितने बार लोग देखते हैं, फेसबुक का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सेंस करता है कि इसका पोस्ट लोग खूब देखते हैं, तो वो और ज्यादा लोगों को दिखाता है, इससे आपके पेज की सर्कुलेशन बढ़ती है। वो तभी हो सकता है जब आप डेली पोस्ट करेंगे। तो फेसबुक में भी आप स्टोरी में डाल सकते हैं, रील्स में डाल सकते हैं, या मेन बॉडी पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्टर को स्टोरी में, रील्स में और मेन बॉडी पे हर 1-2 दिन पे पोस्ट करते रहे। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप एक पेज बना सकते हैं, बिजनेस के लिए एक अलग, हेल्थ के लिए एक अलग। पेज बनाना कैसे है उस पर मैं ट्रेनिंग बाद में करूंगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, तो कोई ऐसा है जो जिसको मैं को होस्ट बनाऊं, तो वो अपना फेसबुक पेज, क्योंकि मेरे लैपटॉप में मेरा फेसबुक नहीं है, तो फेसबुक खोल सके तो मैं बता दूंगा कि सर्च क्या करना है। स्क्रीन से जो को होस्ट है वो स्क्रीन शेयर करके, हाँ पल्लवी मैम आप स्क्रीन शेयर करो और फेसबुक खोलो, सर स्क्रीन शेयर कर नीचे आता है ना शेयर स्क्रीन ऑप्शन, स्क्रीन शेयर करो उसमें फेसबुक खोलो। मैं तो विनीता को करने दो, विनीता आ रही है लाइन पे, आ रही है, तो फिर मैं करूँ कि क्या करूँ? ठीक आप बंद करो, विनीता विनीता को करने दो। है जी सर। अरे रुको 1 मिनट सर। करो विनीता जी जल्दी, ये देखिए विनीता शर्मा ने अपना खोला, फेसबुक खोला। अब फेसबुक में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का फोटो बना होता है, यानी अगर आप फेसबुक के पे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो इसमें सर्च कर सकते हैं। विनीता जी इसको खोलिए। इसमें आप कहाँ रहते हैं विनीता जी? दिल्ली में सर। सर नहीं धरती पे बोल देना था ना, झंझट ही खत्म। हाँ सभी को तो फिर पता दिल्ली में, तो इसमें दिल्ली में कहाँ रहते हो? हैं श्रीनगर। श्रीनगर सर। श्रीनगर। श्रीनगर? श्रीनगर, श्रीनगर अच्छा ये तो त्रिनगर, बग टी आर हुआ। आई, ओके। हाँ तो त्रिनगर डालो इसमें, त्रिनगर आ गया, त्रिनगर दिल्ली। अब सर्च मारो, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें ग्रुप्स में जाओ। अब देखो त्रिनगर दिल्ली के जितने ग्रुप्स हैं सब आपके पास खुल गए, और त्रिनगर और आसपास के एरिया के। अब ये सारे ग्रुप ज्वाइन कर, आपके लोकैलिटी के जितने भी ग्रुप हैं सारे ज्वाइन कर लो, आपके और आपके आसपास की लोकैलिटी के जितने भी ग्रुप्स हैं ना सारे ज्वाइन कर। समझ में आ रहा ओके सबको कि कैसे सर्च करना है? उसके सर। बाद इसमें हम सर इसमें जो प्राइवेट होता है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ सारे ज्वाइन कर लो,
क्यों मैं बताता हूं, उसमें आप अपने पोस्ट नहीं डाल सकते, लेकिन तरह तरह के पोस्ट लोग डाल सकते हो, उसमें कमेंट में बातें तो कर सकते हो। ओके उसमें करना कैसे है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप सारे ग्रुप डाल लो, अब कोई ग्रुप, कोई भी ग्रुप खोलो मैम, त्रिनगर वाला कोई भी ग्रुप खोलो, और उसमें ऊपर जाओ देखो क्या क्या पोस्ट है। अब जैसे वैदिक मैथ्स एकेडमी है, इसके कमेंट्स में आपको बहुत सारे लोगों के वो मिल जाएगा, नंबर, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, जैसे सौरभ जैन का नंबर मिल गया आपको, सौरभ जैन वो मैथ पढ़ाता है, लेकिन क्या वो या उसके घर में कोई बीमार नहीं पड़ सकता, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता होगा। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल मदर का गिफ्ट केक वेक है ये, तो या क्या ये जो केक बनाने वाला जो बंदा होगा, क्या उसको सेहत की जरूरत नहीं है? और इस जैसे ये होता है ना, नीचे कीजिए, इसमें लिखा हुआ है सेंट मदर्स डे, तो नीचे करो ना, कहाँ चला गया सेंट मदर्स डे वाला, क्यों ऊपर भागाते जा रहे हो? लिखे हाँ, ये यहीं पे रखो। अब इसमें देखो कि ये ग्रुप मान लो क्लोज्ड ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, इसमें आप पोस्ट नहीं डाल सकते, लेकिन इसके पोस्ट पे कमेंट तो लिख सकते हो। तो इसमें कमेंट में सिर्फ आपको इतना लिख देना है कि इफ यू वांट टू गिफ्ट हेल्थ टू योर मदर, प्लीज इनबॉक्स। अगर आप अपनी मदर को स्वास्थ्य का गिफ्ट देना चाहते हैं तो इनबॉक्स करें, तो कुछ ना कुछ लोग नोटिस करेंगे आपके पोस्ट को। आप इसके बिजनेस को आप हैम्पर भी नहीं कर रहे हो। अगर ये सेम कैटेगरी का आपका होता ना, तो ये कमेंट करना अनएथिकल माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप भी केक बनाने वाले होते और आप अपने केक का प्रचार इसके पोस्ट पे करते, तो वो अनएथिकल माना जाए। और ऊपर चलिए, चलिए ऊपर चलिए, स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। अब जैसे ये गुप्ता बुक वाला, यहाँ पे भी नंबर है, गुप्ता बुक डिपो, ठीक है। और ऊपर जाइए, इसके कमेंट में कुछ लोगों के नंबर हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फ्रेंच क्लास कोर्स है, ठीक है, तो ये फ्रेंच क्रैश कोर्स है, इसके कमेंट में आप डाल सकते हैं कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी का कोर्स करना चाहता हो तो कांटेक्ट करें, ठीक है, प्लीज इनबॉक्स। ऐसे करके आप डाल सकते हैं। तो जहां पे क्लोज्ड ग्रुप है, बंद कर दीजिए मैम, ये बैक जाइए, जहां पे सर्च वाला ऑप्शन है वहां जाइए, फिर सर्च वाले ऑप्शन में जाइए। तो जहां पे ओपन है वहां पे तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाल ही सकते हैं। अब इसमें सर्च करो चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, फुल क्या बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, ठीक है। इसको मारो, सर्च मारो, क्लिक मारो, देखो अब इसमें जाओ पोस्ट में, देखो फुल बॉडी चेकअप के लिए जितने लोगों ने ऐड डाला है ना, ऊपर चलते जाओ, जितने लोगों ने ऐड डाला है, कंपनीज ने ऐड डाला है, जैसे मेरा भी ऐड है तो वो भी दिख रहा है फुल बॉडी चेकअप में, जितने भी ऐड होंगे ना फुल बॉडी चेकअप से रिलेटेड, वो आपको दिखने लगेंगे। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट में नंबर दिया होगा, आप इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, शेयरिंग बंद कर दीजिए मैम। ओके सर, तो जो भी आपका, जो भी आपको, जब दूसरों का ऐड है उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट में नंबर होते हैं, क्वेरीज होती है, आप वहां पे कमेंट में उनको प्लीज इनबॉक्स लिख सकते हो। जैसे किसी ने डाला है मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप उसके कमेंट के आंसर में प्लीज इनबॉक्स मी, नंबर नहीं डालना है ऐसी जगहों पे, या अपना पोस्टर नहीं डालना है, प्लीज इनबॉक्स मी। अगर कोई इनबॉक्स में आता है तो आप उसको बताएं। इसके अलावा आप दो चार लोगों को जिनका को इनबॉक्स में डाल दो, पांच सात लोगों को इनबॉक्स में डालते हो, अनजान लोगों को बहुत ज्यादा इनबॉक्स में डालने का कोई फायदा नहीं होता, बहुत सारे लोग मैसेजेस देखते नहीं है, उनको रिक्वेस्ट में चला जाता है, मैसेज बंद किया होता है। तो इससे बेहतर है कि कमेंट में उनको सिर्फ इतना लिख दीजिए प्लीज इनबॉक्स मी, जिन लोगों ने क्वेरी की है फुल बॉडी चेकअप की उनको प्लीज इनबॉक्स में लिख दीजिए। जो भी आपको करना है, जैसे आप मान लो वेट लॉस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप बच्चों के हेल्थ का, तो वही टॉपिक आप फेसबुक पे सर्च करो, उससे रिलेटेड पोस्ट सर्च करो, जितने भी पोस्ट होंगे जो टीएंस के लोगों के नहीं है, टीएंस के लोगों के पे तो डाल के कोई फायदा नहीं है, टीएंस के जैसे मेरा आपको दिखा या सुनीता मैम का दिखा,
तो उनके पे तो जो है उनको उन्होंने वही सेम चीज बताई होगी, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे बहुत सारे ये पैथोलॉजी लैब फलाना हेल्थियंस ये वो बहुत सारे लोग हैं जो अपने हेल्थ पैकेजेस चेकअप पैकेजेस सेल करते हैं, उस पर इनबॉक्स कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की होती है। उसके क्वेरी में सिर्फ आप कम रिप्लाई में जा करके रिप्लाई में सिर्फ इतना टाइप कर देना है प्लीज इनबॉक्स फॉर मोर डिटेल, प्लीज इनबॉक्स। जितने लोग आपको कमेंट कॉन्टैक्ट करते हैं, और एक ही दिन में बहुत सारे लोगों को नहीं लिखना है, एक पोस्ट पे गए दो तीन लोगों को लिखा, एक पोस्ट पे गए दो तीन लोगों को लिखा, नहीं तो आप एक ही पता चला हेल्थियंस के पोस्ट पे चले गए, या लाल पैथ लैब वाले ने डाला है फुल बॉडी चेकअप का उसमें आप चले गए और उसमें आपने बहुत सारे लोगों को एक साथ ही डाल दिया, तो वो नोटिस करेंगे कि ये मेरे पोस्ट पे आकर के स्पैम कर रहा है, तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, तो आगे से आपको उसका ऐड दिखना बंद हो जाए। लेकिन उस पे मान लीजिए 150 कमेंट है उसके ऐड पे, आपने उसमें से एक दो में प्लीज इनबॉक्स लिख दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे गए एक दो में लिख दिया, तो ऐसे करके आपने 8-10 लोगों को लिखा, तो कोई इतना ज्यादा नोटिस भी नहीं करेगा। ठीक है, तो रील्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, इस तरह के चीजों से आप, इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स ये सारी चीजों के, तो उसमें बहुत सारे लोग क्वेरी भी पूछते हैं कि मेरे को कमर दर्द की प्रॉब्लम है इसके लिए क्या, तो उसमें लिख सकते हैं आप, अगर आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो इनबॉक्स करें, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, एक तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन में, अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक कर दीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक हो जाते, तो उससे क्या होगा कि जो भी आप फेसबुक पे पोस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाए। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट। तो ये तो हो गया ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का तरीका, और बहुत उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ट्विटर है और भी बहुत सारी चीजें जो आप ज्वाइन करते होंगे, इधर उधर के वीडियो पोस्ट वगैरह, शेयर चैट है और बहुत कुछ है, तो जहां पे भी आप हैं हर जगह डालिए, लेकिन खाली डाल के भूल नहीं जाना है, चेक भी करना है कमेंट में क्या आया है, मैसेज में क्या आया है, तो हर पोस्ट के कमेंट और मैसेजेज हमेशा चेक करते रहना। ये तो हो गया ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का फ्री तरीका। अब मैं बताता हूं ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट का। ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट का सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो तो है लिस्ट बनाना। सबसे पहले आपके पास जिसका भी मोबाइल नंबर उसका लिस्ट बना ली, वो आपका कौन है मैटर नहीं करता, इवन आप अपने मम्मी पापा का भी नाम लिखिए उस। अब बोलेंगे वो तो घर में ही रहते हैं, कोई बात नहीं, जिसका भी मोबाइल नंबर आपके पास है उसका लिस्ट बनाइए, वो आपका फैमिली मेंबर हो, वो आपका रिश्तेदार हो, वो आपके रिश्तेदार का रिश्तेदार हो, वो आपका पड़ोसी हो, पड़ोसी का पड़ोसी हो, पड़ोसी का रिश्तेदार हो, वो आपके स्कूल का कॉलेज का फ्रेंड हो, उनका रिश्तेदार हो, उनका फ्रेंड हो, कोई भी जिसका आपके पास मोबाइल नंबर। लिस्ट कैसे बनाना है उसका फॉर्मूला मैंने उस दिन शेयर किया था, उसी फॉर्मूले पे लिस्ट बनाना, वो लिस्ट आप अपने अपलाइन के साथ शेयर कर दीजिए, आपने फेसबुक में व्हाट्सएप में लगाया, उन लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, उन लोगों को अप्रोच कैसे करना है वो आपको सिखाएंगे, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है लोगों को बताने का, जब भी आप किसी से मिलते हैं कैजुअल बातें होती है तो लोग अपने काम के बारे में बताते हैं या पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आप लोगों से भी पूछते हैं कि नहीं, तो उसके लिए दो तीन चीजें हैं, जैसे आप अपने स्टेटस में अपडेट कर सकते हैं कि स्टार्टेड न्यू वर्क एट टीएनएस थेरेपी एंड चेकअप सेंटर, आप अपने फेसबुक में स्टेट अपडेट कर दो कि स्टार्टेड न्यू वर्क एट टीएनएस चेकअप एंड थेरेपी सेंटर, लोग आपसे पूछेंगे ये क्या है भाई, तो आप बोलिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बिना खून निकाले चेकअप होता है, बिना खून निकाले पूरी बॉडी का चेकअप होता है, एक बीमारी के चेकअप का 200 रुपए चार्ज है, उसमें चेकअप कंसल्टेशन इलाज में क्या करना है नहीं करना है सारा कुछ फ्री में बताया जाएगा, 500 रुपए में फुल बॉडी है, स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन करना है तो 800 रुपए, ये आप बता सकते हैं, जिसको भी मिलिए आप उनको बता सकते हैं कि मैंने एक नया काम शुरू किया है,
मैं जहां पे काम करता हूँ वहां पे ये फैसिलिटी है, तो अगर आप में आपके जान पहचान में कोई उसको डायरेक्टली मत बोलिए कि आपको चेकअप कराना हो। जैसे मान लीजिए कि मीना कुमारी जी मिली अनीता जी से, तो मीना कुमारी जी ने अनीता जी को बोला कि अनीता बहन, आजकल मैंने एक नया काम शुरू किया है, तो हमारा जो है वो चेकअप और थेरेपी सेंटर है, वहां पे एक जापानी टेक्नोलॉजी की मशीन है, उस मशीन से बिना खून निकाले हुए बीमारियों की जांच होती है। उसमें ये पता चल जाता है क्या बीमारी है, इसमें बीमारी की जड़ का भी पता चल जाता है, आने वाले टाइम में कोई बीमारी होने वाली है वो भी पता चल जाता है, और क्या सही इलाज है वो भी पता चल बता देते हैं वो। एक बीमारी का चेकअप कराना है तो 200 रुपये चार्ज है, ऐसे चार्ज, या चार्ज वो चार्ज पहले मत बताइए, चार्ज वो खुद पूछेंगे कितना लगता है तो बताइए। तो तुम्हारी नजर में कोई हो जिसको चेकअप वगैरह कराना हो तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। समझ गए? तो जिससे भी आप डे टू डे बेसिस पे मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं, कोई भी हो, आप रोज किसी के यहां से दूध लाते हो दुकान पे, आप कल सुबह जाएंगे तो वो भैया को, दुकान वाले भैया को बोले, भैया मैंने आजकल एक नया काम शुरू किया है, वहां पे एक जापानी टेक्नोलॉजी की मशीन से बिना खून निकाले फुल बॉडी की जांच होती है, तो अगर आपकी नजर में कोई हो जिसको जांच करानी हो तो बताना। तो पूछेगा कहाँ पे है, कितना चार्ज लगता है, कैसे होता है, तो सारा कुछ बताइए कि उसमें क्या क्या पता चलता है, वो पोस्टर में लिखा ही है कि क्या क्या पता चलता है। पूछेंगे कितना चार्ज है, तो एक बीमारी के लिए कराना है तो 200 रुपये, और फुल बॉडी का कराना है तो 500 रुपये, स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन चाहिए तो 800 रुपये, बता दीजिए। तो आपको कल से जो भी मिले सबको बताना है। एडवर्टाइजमेंट का जो और तरीके हैं उन तरीकों पे हम कल या परसों बात करेंगे, क्योंकि वो पेड तरीके हैं, क्योंकि उनसे उसमें थोड़ा बहुत आपको, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 हजार रुपया महीना खर्चा करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि कितना खर्चा आ सकता है, लेकिन उसके बारे में मैं कल या परसों, क्योंकि आज टाइम हो गया है, 10:30 हो चुके हैं, तो हम 1 घंटे से ज्यादा का सेशन नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 3 हजार रुपया खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे महीने का, 100 रुपीज पर डे, तो चेकअप के लिए कम से कम आपको 100 लोग मिल जाएंगे महीने भर, 100। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट इतना इफेक्टिव नहीं होता है तो भी कम से कम 50 लोग तो मिलेंगे, कम बहुत बुरा कंडीशन होगा तो 50 लोग मिलेंगे। अगर आप इसको 100 से गुना, सारे अगर 100 रुपए वाले ही आपको देते, मतलब आप अगर खुद चेकअप नहीं कर रहे हैं किसी के पास भेज रहे हैं, तो 100 रुपया पर हेड मिला तो 5,000 हो गया, तो किसी भी हाल में आप नुकसान में नहीं रहते हैं, 2,000 तो एक्स्ट्रा ही कमाया। नॉर्मल 3,000 रुपए का प्रचार करने से 100 लोग तो आ ही जाते हैं, यही है मिनिमम। लेकिन अगर आप बहुत बुरी किस्मत वाले हैं और ऐसा हो तब मैं बता रहा हूं, तो भी आप फायदे में रहेंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। एक तो चेकअप में ही आप 2,000 रुपए के प्रॉफिट में हैं, लेकिन जब 50 लोग आपकी वजह से चेकअप कराएंगे तो इसमें से कम 5 लोग थेरेपी जरूर लेंगे। 5 लोगों ने अगर थेरेपी लिया और सबने 3,000 वाला भी थेरेपी लिया, तो आप कमाएंगे 4,500। और ये 5 लोगों ने अगर 2-2 हजार का भी सप्लीमेंट लिया, तो सप्लीमेंट में आप कमाएंगे 2,000, और चेकअप में भी कमाया था 2,000, सभी अगर सिंगल चेकअप वाले थे तो ही, तो भी आप 3,000 लगा करके 8,500 कमा रहे हैं। 8,500 का फायदा है। अब वो 3,000 रुपया महीना लगा करके, ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा लगा करके करें, आप फ्री वाले पे भी चल सकते हैं, कुछ लोगों को फ्री में भी, जिनका कांटेक्ट बहुत बड़ा है उनको बहुत सारे चेकअप वाले मिल जाएंगे, कुछ लोग थोड़ा पैसा कमा लें उसके बाद खर्चा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि केवल 3,000 रुपया महीना, 100 रुपये डेली के खर्च में आप कैसे कम 2-3 लोग डेली के चेकअप वाले ला सकते हो, यानी 100 रुपये डेली का खर्च हो, 300-400 रुपये डेली का कमाओ खाली चेकअप से। तो ये कैसे हो सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है इसके बारे में हम
नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे।